मित्र को मित्रता कैसे होनी चाहिए यह भी जटायु से देख लीजिए। वचन कैसे निभाने चाहिए यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा, और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती हैं, इसके पीछे एक कारण है, वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, एक तरफ मित्रता का धर्म निभाने, नारी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व गिद्धराज जटायु कर रहे हैं, और आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे इस धरती की शुद्धि के लिए भी जो कार्य गिद्धराज के द्वारा किया जाता है, गिद्धों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहां पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा और पवित्र कार्य हुआ है जो रामायण की स्मृतियों को हम सबके सामने बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा।